ये क्वेश्चन गेट 1990 में पुट हुआ है। देखो इसमें क्या कह रहे हैं, नंबर ऑफ बाइनरी स्ट्रिंग्स ऑफ एन जीरोस एंड के वंस दैट नो टू वंस आर एडजेसेंट। मैंने शॉर्ट में लिखा, आप समझ पा रहे होगे यहाँ पे क्या कहना चाह रहे हैं। देखो हमें नंबर ऑफ बाइनरी स्ट्रिंग्स बताने हैं, ठीक है, नंबर ऑफ बाइनरी स्ट्रिंग्स बताने। और खास बात क्या है, जीरोस हमारे पास कितनी है एन और वन हमारे पास कितने हैं के, और कंस्ट्रेंट क्या लगा हुआ है, नो टू वंस टुगेदर, ठीक है, नो टू वंस टुगेदर। तो मेरे ख्याल से आप सब समझ पा रहे होंगे, एडजेसेंट बोलो या टुगेदर बोलो, टुगेदर बोलने से आपके माइंड में घंटी बज जानी चाहिए। ये कैटेगरी नंबर फोर है ना, जो मैंने आपको बताया सिक्स कैटेगरी ऑफ कंस्ट्रेंट्स इन परम्यूटेशंस, याद आ रहा होगा आपको सिक्स कैटेगरी ऑफ कंस्ट्रेंट्स इन परम्यूटेशंस, उसमें जो हमारी फोर्थ कैटेगरी थी वो यही थी, नो टू ऑब्जेक्ट्स टुगेदर। मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चन कराए थे, जैसे हमारे पास फाइव बॉयज हैं, फोर गर्ल्स हैं, नो टू गर्ल्स टुगेदर, है ना, इस टाइप के क्वेश्चन मैंने आपको बहुत सारे कराए थे। तो नो टू ऑब्जेक्ट्स टुगेदर ये फोर्थ कैटेगरी है भाई, उसी का क्वेश्चन है ये। और इनफैक्ट अगर आपको याद आ रहा हो वीडियो नंबर 70 में मैं यही एज इट इज क्वेश्चन सोल्व करा चुका हूँ, बिल्कुल लास्ट मैंने आपको कराया था ये क्वेश्चन सोल्व, है ना, और बताया भी था कि गेट का क्वेश्चन है ये। और बट स्टिल मैं एक सेपरेट वीडियो बना रहा हूँ ताकि आपको चीजें सब रिवाइज हो जाए और सब चीजें आपको याद आ जाए, ठीक है, जस्ट फॉर सेक ऑफ रिवीजन मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, और कोई मेरा कारण नहीं है बनाने का, ठीक है जी। तो बताओ भी फटाफट कैसे सॉल्व करेंगे, बिल्कुल वही तरीका जो मैंने आपको वहां सिखाया था कि नो टू ऑब्जेक्ट टुगेदर है, तो हम क्या करते हैं, पहले ऑब्जेक्ट को अरेंज करते हैं फिर आगे हम बात करते हैं। हाँ जी, तो क्या है जी, तो सबसे पहले देखो नो टू वंस टुगेदर का है ना, तो आपको पहले जीरोस को अरेंज करना पड़ेगा। जैसे मैं आपको बॉय और गर्ल वाला एग्जांपल लेता था, नो टू गर्ल्स टुगेदर में कहता था, तो पहले मैं बॉयज को अरेंज करता था, उसके बाद गर्ल्स को बीच में बिठाता था, है ना, तो वही बात आएगी, पहले हम जीरोस को अरेंज करेंगे। हाँ जी, हमारे पास एन जीरोस हैं, ये देखो एन जीरोस हैं, तो कितने वे से मैं इन जीरोस को अरेंज कर सकता हूँ, ऑब्वियसली एक ही वे से अरेंज कर सकता हूँ, क्योंकि सारी जीरो एक जैसी है। बट अगर ये पे बॉयज होते थे तो मैं कहता था ना, अगर n बॉयज होते थे तो मैं n फैक्टोरियल वे से पहले बॉयज को अरेंज करता था, क्योंकि सारे बॉयज अलग अलग होते थे, बट यहाँ पे सारे के सारे जीरोज ही हैं, सारी जीरो एक जैसी ही हैं, तो पहले जीरोस को अरेंज करने में सिर्फ एक ही तरीका है हमारे पास, मतलब सारी n जीरोस को बिठा दो। अच्छा जी, अब खास बात देखो, हमारे पास n प्लस वन प्लेसेस जनरेट हो गई ना जीरोस के कारण, देख रहे हो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ एंड सो ऑन, तो आपको ये सब पता होगा, मैं बार बार बेसिस को स्क्रैच नहीं करता, वीडियो जबरदस्ती लंबा होगा। हाँ जी, तो n प्लस वन प्लेसेस बन चुके हैं, क्योंकि n जीरोस हैं तो n प्लस वन प्लेसेस बनाएंगी। अच्छा, अब उन n प्लस वन प्लेसेस में से मेरे को k प्लेसेस को चूज करना है और वहां पे वंस को बिठाना है, क्यों, क्योंकि k वंस थे टोटल, तो n प्लस वन सी के, ठीक है, समझ गए होगे आप लोग। अच्छा, चूज कर रहा हूं मैं के प्लेसेस को, क्यों, क्योंकि वन सारे एक जैसे हैं, इनको अरेंज करने का कोई चक्कर नहीं है। अब जैसे हम पहले बॉयज को अरेंज कर लेते थे एन फैक्टोरियल वे से, उसके बाद फिर बॉय गर्ल्स को मैं बीच में बिठाता था, तो गर्ल्स वाले केसेस में मैं परम्यूटेशन लेके आता था, क्योंकि सारी गर्ल्स अलग अलग होती थी, बट यहाँ पे क्या है, सारे वंस एक जैसे ही हैं, तो इसलिए हमें यहाँ पे सी मतलब चूज करना है, मतलब कॉम्बिनेशन लगाना है, परम्यूटेशन नहीं लगाना है। मैंने आपको शायद ये सब चीजें ऑलरेडी पहले भी काफी बार बताई भी थी, एक और स्पेशल वीडियो में मैंने आपको सिखाया था, याद आ रहा है, मैंने जब बताया था कि कई की बारी क्या होता है कि क्वेश्चन होगा परम्यूटेशन का बट वो कॉम्बिनेशन की हेल्प से सॉल्व होगा, और कई की बारी क्वेश्चन कॉम्बिनेशन का होगा वो परम्यूटेशन की हेल्प से सॉल्व होगा, तो रटने वाली बात नहीं होती सारी, आपको थोड़ा थोड़ा बीच में कॉमन सेंस लगानी पड़ती है। तो आपको लगेगा कि नंबर ऑफ बाइनरी स्ट्रिंग्स कह रहे हैं, तो बाइनरी स्ट्रिंग्स मतलब क्या, पोजिशन मैटर करेगी तो परम्यूटेशन लगेगा, बट एक्चुअली यहाँ पे परम्यूटेशन नहीं लग रहा, यहाँ पे कॉम्बिनेशन लग रहा है। ये एक बहुत अच्छा और एक बहुत एक्सेप्शनल क्वेश्चन है, ठीक है, इसको अच्छे से माइंड में फिट करके रखना। तो फाइनली हमारा आंसर क्या होगा भाई, वन वे से पहले मैंने जीरो को अरेंज किया था, मल्टीप्लाइड बाय एन प्लस वन प्लेसेस बनी थी, एन प्लस वन प्लेसेस में से मैंने के प्लेसेस को चूज कर लिया जहां पे मैंने वंस को बिठाया है, तो एन प्लस वन सी के। तो फाइनली आंसर हमारे पास समझ गए होगे आप लोग, क्या आएगा, एन प्लस वन सी के, ठीक है जी, ओके, चलो थैंक यू सो मच, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा था, इसको माइंड में फिट करके रखना अच्छे से, ठीक है। तो प्लीज बार बार मैं बोलता हूँ, आपको चीजें याद रखनी पड़ेंगी, और चीजों को अगर आप बार बार रिवाइज कर करके देखेंगे ना, तो आपके माइंड में चीजें एकदम फिट रहेंगी, आपको 1% भी दिक्कत नहीं आएगी। तो चीजों को रटना नहीं है, आपको समझ के काम करना है, ठीक है, थोड़ा थोड़ा कई कई बार कॉमन सेंस लगानी पड़ जाती है, ठीक है। तो परम्यूटेशन वाले क्वेश्चन कई बार कॉम्बिनेशन से सॉल्व होते हैं, और कई कई बार कॉम्बिनेशन वाले क्वेश्चन परम्यूटेशन की हेल्प से सॉल्व होते हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा और एक बेस्ट एग्जाम्पल है, जो कि परम्यूटेशन का क्वेश्चन है बट एक्चुअली वो कॉम्बिनेशन की हेल्प से सॉल्व हो रहा है, ठीक है, चलिए, ओके, थैंक यू सो मच।